गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास, आई होप आप घर पर सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, बिना कारण आप बाहर नहीं घूम रहे होंगे। जब बाहर जाने की आवश्यकता पड़े तब आप मास्क लगाकर जाना और अपना ध्यान रखना। आज आपका हिंदी रीडर है, लेसन है 11 और लेसन का नाम है सुलेख। ठीक है, अब मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। देखिए लेसन 11 में क्या है, सुलेख। इसमें दो बहनों की बातें हैं, एक का नाम गीतू एक का नाम मीतू। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। गीतू और मीतू पाठशाला पहुँची। गीतू को लिखना पसंद है, मीतू को पढ़ना। चलो सुलेख लिखते हैं, गीतू ने कहा। सुलेख क्या है, मीतू ने पूछा। जब हम अक्षरों को धीरे धीरे सुंदर बनाकर लिखते हैं तब उसे सुलेख कहते हैं, गीतू ने बताया। गीतू और मीतू कहाँ गई थी, पाठशाला। तो गीतू को क्या पसंद था, गीतू को पसंद है पढ़ना और मीतू को लिखना। अब आगे इसमें उसने मीतू ने पूछा था कि सुलेख क्या है, तो क्या बताया गीतू ने कि जब हम अक्षर को धीरे धीरे सुंदर बनाकर लिखते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, तब हम उसे सुलेख कहते हैं, गीतू ने बताया। अब आगे देखें, अच्छा और जब अध्यापिका बोलती हैं और हम उसे सुनकर लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, मीतू ने फिर से पूछा। उसको श्रुतलेख कहते हैं, गीतू ने कहा। तो मीतू ने क्या पूछा, मीतू ने कहा कि जब टीचर बोलती हैं, अध्यापिका जब बोलती हैं उसको हम लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो गीतू ने कहा कि उसको श्रुतलेख कहते हैं। अच्छा अच्छा मुझे सुलेख और श्रुतलेख दोनों पसंद नहीं है, मुझे केवल कहानी पढ़ना पसंद है, मीतू ने कहा और वह एक किताब खोलकर पढ़ने लगी। तो मीतू ने गीतू से क्या कहा कि अच्छा अब मुझे पता चल गया कि सुलेख किसको कहते हैं और श्रुतलेख किसे कहते हैं, लेकिन मुझे ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे क्या पसंद है, मुझको कहानी पढ़ना पसंद है। ये कहकर जो मीतू थी वो बुक खोलकर कहानी पढ़ने लगी। अब आगे देखते हैं, मीतू ने कहा और वह किताब खोलकर पढ़ने लगी। क्या तुम्हें सुंदर लिखावट अच्छी लगती है, गीतू ने पूछा। हाँ बहुत, जैसे तुम साथ साथ सुंदर लिखती हो वैसे लिखावट मुझे पसंद है, मीतू ने कहा। गीतू ने पूछा क्या तुम्हें सुंदर लिखावट पसंद है, तो क्या कहा मीतू ने, कहा कि हाँ मुझे जैसे तुम सुंदर लिखती हो वैसे मुझे लिखावट पसंद है। अब आगे देखते हैं, रोज़ सुलेख लिखने से ही लिखावट सुंदर होती है, गीतू ने बोला। क्या बोला गीतू ने मीतू से, जब हम रोज़ लिखते हैं तो तभी हमारी लिखावट सुंदर होती है। गीतू बोली, अच्छा फिर तो मैं भी सुलेख लिखूंगी, मीतू ने कहा। गीतू सुलेख लिखने लगी और मीतू एक नया कागज़ लाकर सुलेख लिखने की तैयारी करने लगी। तो बच्चों इस लेसन से हमें क्या पता चला, इस लेसन हमें ये पता चला कि जो हमें सुलेख प्रतिदिन लिखना चाहिए, जब भी हमें टाइम मिले जब भी हमें सुलेख लिखना चाहिए। सुलेख का मतलब पता चला गया आपको, सुलेख क्या होता है कि जो हम अपनी बोर्ड पर से या अपनी बुक में से बैठकर उसको देख देख कर लिखते हैं और सुंदर अक्षर से अक्षरों को सुंदर लिखावट में सुंदर बनावट में अगर लिखते हैं तो उसको हम सुलेख कहते हैं। अगर हम प्रतिदिन अगर हम लिखेंगे तो हमारी क्या होगी, हमारी हैंडराइटिंग भी सुंदर हो जाएगी। और श्रुतलेख का पता चला, श्रुतलेख क्या होता है, श्रुतलेख वो होता है कि जो टीचर बोलती हैं और बच्चे उसको लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, श्रुतलेख कहते हैं। और हमें लिखने का भी शौक़ होना चाहिए और हमें पढ़ने का भी शौक़ होना चाहिए। अगर हम लिखाई नहीं करेंगे तो हमारी गंदी राइटिंग होगी, गंदे गंदे अक्षर हम बनाएंगे तो फिर टीचर के समझ में भी नहीं आएंगे और आपके समझ में नहीं आएंगे। आप खुद लिखेंगे और बाद में उसको खोल कर देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या लिख रखा है। तो इसलिए हमें जब भी हमें टाइम मिले तो हमें लिखना चाहिए और जितना हम लिखेंगे उतनी हमारी लिखावट सुंदर होगी। और हमें पढ़ाई भी करनी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए हमें, जब हमारे पास टाइम हो तो हमें जब कुछ हम लिखते हैं तो उसको हमें बोल बोल कर लिखना चाहिए। तो जो बच्चे बोल बोल कर लिखते हैं तो उनको क्या होता है, उनको जो पढ़ना भी आ जाता है, उनको समझ में आ जाता है बोल बोल कर लिखते हैं, और उनको लिखते हैं तो बार बार लिखने से क्या होता है, लिखावट उनकी सुंदर हो जाती है। मम्मा बोलते हैं ना बच्चों आपको कि घर पे लिखो आप लिखते लिखने में कहते हो कि नहीं एक बार लिख लिया, तो हमको बार बार लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उससे क्या होगा, उससे जो लिखावट सुंदर होती है, अक्षर सही से बनाते हैं। एक बार अगर हमसे गलत बन गया तो कोई बात नहीं, उसको फिर हम दोबारा लिखेंगे सही तरीके से। जितनी बार हम प्रैक्टिस करें, जितनी बार हम लिखेंगे तो उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, उससे हमें ये लाभ होगा कि हमारी लिखावट
सुंदर हो जाएगी। तो सुंदर जो लिखाई होती है वो सबको पसंद आती है, टीचर्स को भी पसंद आती है, घर पे जो मम्मी पापा होते हैं उनको भी पसंद आती है, जो भी कोई देखता कहता है क्या बात है इस बच्चे की तो राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है, वेरी गुड सब बोलते हैं ना। तो इसलिए हमें प्रतिदिन लिखना चाहिए और हमें रीडिंग भी करनी चाहिए और हमें राइटिंग भी करनी चाहिए। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको अभी कराऊंगी। ओके बच्चों, आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा, क्योंकि ये लिखने का और पढ़ने का है, बच्चों को लिखना पढ़ना पसंद होता है ना। अब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी, ठीक है, बाय बच्चों। अभी हमने लेसन 11 पढ़ा था जिसका नाम था सुलेख था, अब हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। ये देखिए कठिन शब्द हैं, इसको आपको सुंदर सुंदर लिखना है और याद भी करना है। ये शब्द दर्ज दिए गए हैं वर्ड मीनिंग, इनको साफ साफ लिखना है, उसके बाद में याद करना है। देखिए मैं पढ़कर बता रही हूँ, जैसे पाठशाला का क्या हो गया, विद्यालय स्कूल, धीरे मंद स्लो, रोज नित्य डेली, सुलेख सुंदर लेख, गुड हैंड राइटिंग, ठीक है। अध्यापिका शिक्षिका टीचर, इसको याद भी करना है लिखना भी है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। देखिए पहले में क्या है, गीतू और मीतू कहाँ पहुँची, ये ऑप्शन दिए गए हैं, गांव, मेले, पाठशाला, तो ये कहाँ पहुँची थी, पाठशाला, तो यहाँ पर हमें राइट का निशान लगाना है। ओके, देन सेकंड देखेंगे, मीतू को क्या पसंद है, पढ़ना, नाचना, लिखना, तो क्या पसंद था आपने स्टोरी पढ़ी अभी, पढ़ना, तो यहाँ पर हम राइट का निशान लगाएंगे। देन लास्ट देखेंगे, गीता को क्या पसंद है, पढ़ना, लिखना, सोना, तो क्या पसंद है गीतू को, लिखना, तो यहाँ पे हम टिक का निशान लगाएंगे। अभी देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है, खालिस्तान भरो, मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, अब मैं पढ़कर सुना रही हूँ आपको। देखिए पहले में गीतू और मीतू देश पहुँची, तो कहाँ पहुँची थी, पाठशाला, यहाँ पर पाठशाला लिखना है। सेकंड देखेंगे, मीतू को देश पसंद है, क्या पसंद है, पढ़ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देश श्रुतलेख बोलती हैं, तो कौन बोलते हैं श्रुतलेख, अध्यापिका, तो यहाँ पे हमें अध्यापिका लिखना है। अब यहाँ पे देखेंगे, मीतू देश खोलकर पढ़ने लगी, तो यहाँ पे किताब। लास्ट में देखेंगे, रोज़ देश लिखने से लिखावट सुंदर होती है, तो क्या करने से, सुलेख, यहाँ पे लिखना है। देन क्वेश्चन 4 है, किसने किससे कहा, पहला देखो, चलो सुलेख लिखते हैं, किसने कहा, गीतू ने, और किससे कहा था, मीतू से। सेकंड देखते हैं, मुझे केवल कहानी पढ़ना पसंद है, किसने बोला था ये, मीतू ने, किससे, गीतू से। देन लास्ट देखते हैं, क्या तुम्हें सुंदर लिखावट अच्छी लगती है, किसने कहा था ये, गीतू ने, किससे, मीतू से। अभी क्वेश्चन आंसर हैं, ये क्वेश्चन आंसर मैं एक पेज के ऊपर लिखकर क्वेश्चन भी आंसर भी आपके ग्रुप पर भेज दूंगी। अब क्वेश्चन 6 है, ये वचन बदलो, मैंने यहाँ पर लिख कर दिखा रखा है, मैं पढ़कर सुना रही हूँ आपको। देखो, पाठशाला का, पाठशालाएं, लिखावट, लिखावटें, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कागज का, कागज ही आएगा, अक्षर का, अक्षरों, किताब, किताबें, लड़की, लड़कियां, एंड लास्ट देखिए, कहानी, कहानियां। क्लास, यह है एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कोष्ठक में सही विकल्प पर सही लगाओ, सही का निशान लगाओ। अच्छा देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 है, कोष्ठक में सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ, ठीक है। अब देखते हैं पहला वाला, हम गीतू और मीतू पाठशाला या बाजार पहुँची, तो कहाँ पहुँची थी, पाठशाला, तो हमें पाठशाला पे हमें टिक करना है। सेकंड देखेंगे, गीतू मीतू को लेकर कहानी पढ़ना पसंद है, केवल, तो गीतू है या मीतू, मीतू को, मीतू को केवल कहानी पढ़ना पसंद है, तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। अब थर्ड देखेंगे, हमें साफ या गंदा लिखना चाहिए, तो कैसे लिखना चाहिए, हमें साफ, तो हमने साफ पर टिक किया है, हमें साफ लिखना चाहिए। अब लास्ट देखते हैं, अध्यापिका या दादी श्रुतलेख बोलती हैं, तो कौन श्रुतलेख बोलती हैं, अध्यापिका, तो हमें अध्यापिका पर टिक किया है। तो बच्चों ये आपको हिंदी लिटरेरी कॉपी में साफ साफ नीट एंड क्लीन करना है और उसको याद भी करना है। बाय।